हेलो गाइस, ड्रीम पफ में आप सबका स्वागत है। मैं अर्चना आज आपके सामने लेके आई हूँ एक बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रफल केक लेकर के, जिसमें मैंने आपको दो तरह का वर्क शो किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। यहाँ मैंने 6 इंच के केक टिन में कढ़ाई में अपने स्पॉन्ज को बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना जालीदार हमारा स्पॉन्ज रेडी हुआ है। इसे मैंने 3 लेयर में कट कर लिया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक शो कर रही हूँ। ये कुछ प्लास्टिक कार्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया है, अमेजोन से मंगाया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं यहाँ फर्स्ट लेयर को प्लेन वाटर से सोक करने के बाद क्रीम से कवर कर रही हूँ। यहाँ मैंने गनाश तैयार कर लिया है। ये 1:2 रेशियो से मैंने इसे तैयार किया है। इसका मतलब है कि मैंने जितनी क्रीम ली है उससे दुगुना चॉकलेट लिया है। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। आप इसे दो प्रोसेस से मेल्ट कर सकती हैं, या तो आप ओवन है तो ओवन में कीजिए, नहीं तो इसे डबल बॉयलर मेथड से आप मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ट्रफल केक बनाने के लिए हमेशा की तरह जो हमारा प्रोसेस है, अपने केक की लेयरिंग को सही तरीके से सोक करने के बाद हम क्रीम से कवर करते हैं। लेकिन आज की जो केक है उसे मैं हल्का ही क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रम कोटिंग करना है। यहाँ मैंने रिच का सनविप का क्रीम ले लिया है, व्हिपिंग क्रीम। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की क्रीम होती है और इसका टेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। और यहाँ दोस्तों हमें अच्छे से चॉकलेट की एक लेयर को सेट कर लेना है। और यहाँ मैंने अप्लाई कर ली है, इसे चारों तरफ से कवर कर लेना है चॉकलेट से। और इसके बाद इसमें जाएगा चॉकलेट चिप्स, और साथ ही साथ किनारों को भी मैं ये क्रीम से कवर करती जा रही हूँ, ताकि कहीं से हमारा स्पॉन्ज नहीं दिखे। तो दोस्तों, आप भी इस केक को घर बैठे ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी होता है ट्रफल केक। और बच्चों को चूंकि चॉकलेट ज़्यादा पसंद होती है, तो बच्चों का ये बहुत ही फेवरेट केक होता है। इसे आप भी घर बैठे बना सकते हैं। ये हमारा एगलेस केक बड़ी ही आसानी से घर पे रेडी हो जाता है, और फ्रेश केक का तो मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस से हमें ट्रफल केक को रेडी कर लेना है। और यहाँ मेरा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ चॉकलेट को। यहाँ इसे भी अच्छी तरह से फैला लेना है, कवर कर लेना है इसे चॉकलेट को। और आज मैं अपने केक में 2-3 इफ़ेक्ट आपको शो कर रही हूँ। पहला तो ये हमारा ट्रफल केक है, दूसरा मैं इसमें थोड़ा सा मैट फिनिश देने की कोशिश कर रही हूँ, और तीसरा मैंने टाइगर इफ़ेक्ट देने की कोशिश की अपने केक में, लेकिन मेरा चॉकलेट थोड़ा ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से प्रिंट आपको कंप्लीट नहीं देख पाएगा। तो 2-3 वर्क आज हम इस केक में करने वाले हैं, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, और आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मेरी केक लगभग रेडी हो चुकी है, कवर हो चुकी है। इसे फ्रिज में मैं कुछ देर के लिए सेट होने दूँगी। और मैंने सेट कर दिया था केक को 1/2 आवर के लिए। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टाइगर इफ़ेक्ट देने की कोशिश की, थोड़ा बहुत दिखा भी, और चॉकलेट ठंडा हो जाने की वजह से ये कंप्लीट इफ़ेक्ट आपको नहीं दिख पाया। आप देख सकते हैं किनारों में हमारा इफ़ेक्ट अच्छी तरह से दिख रहा है, और काफ़ी खूबसूरत प्रिंट निकल के भी आया है। और इसके बाद मैं इसमें स्प्रे करने वाली हूँ, गोल्डन स्प्रे करने वाली हूँ। मैंने इसके लिए मैजिक कंपनी की गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है, और ये स्प्रे भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ये मुझे 350 के आसपास पड़ा था, और ये कलर का बॉटल जो मैंने आपको डिस्प्ले किया वो 500 पड़ा था मुझे, अमेजोन से मैंने मंगाया था। आप भी उसे मंगा सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत केक निकल कर के आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ मैंने पर्पल कलर की व्हिपिंग क्रीम तैयार की थी, उससे मैंने R11 नोज़ल से बॉर्डर तैयार की है और मेरा केक बिल्कुल ही रेडी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई थीम केक के साथ, तब तक के लिए।